भारत से बुरी तरह पिटने के बाद चीन के लगता है बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चीन नेपाल को अपनी जेब में करना चाहता था, पर आज वही नेपाल चीन को आंख दिखाने लग गया है। दरअसल चीन के इशारे पर चल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत के प्रति अब सुर बदलने लगे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा से ठीक पहले अपने रक्षा मंत्री को ही बदल दिया है। ओली ने देश के डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरेल से रक्षा मंत्री का प्रभार वापिस ले लिया है। माना जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए ओली ने ये कदम उठाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरेल ओली कैबिनेट में भारत के सबसे मुखर विरोधी माने जाते हैं। अब खुद पीएम ओली रक्षा मंत्री का प्रभार संभालेंगे। ओली ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 नवंबर को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। पोखरेल को प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो ईश्वर पोखरेल मंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। इससे पहले मई महीने में इस साल जनरल नरवणे ने संकेत दिया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले लिपुलेख रोड पर नेपाल के रिएक्शन के पीछे चीन की भूमिका है। इसके बाद ईश्वर पोखरेल ने भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। पोखरेल ने आरोप लगाया था कि जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया से गोरखा सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यहां हम आपको एक बात बता दें कि पोखरेल का खुद ही अपने आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा से कई बार विवाद हो चुका है। जनरल थापा ने लिपु लेख पर बयान देने से ही इनकार कर दिया था। इससे अब आप समझ सकते हैं कि ईश्वर पोखरेल नेपाल की नहीं बल्कि चीन की भाषा बोल रहे थे। यहां हम आपको बता दें कि नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में अब अपने भारत विरोधी रक्षा मंत्री को हटाए जाने के साथ ही भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे को सम्मानित करने के ऐलान के साथ ही नेपाल ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि वो अब चीन की चालबाजियों से दूर रहकर भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। नेपाल के इस रुख ने चीन को एक तगड़ा झटका दे दिया है, जो नेपाल के सारे भारत पर दबाव बनाने की नापाक हरकतें कर रहा था।